हेलो पीपल, हाउ आर यू ऑल? क्या हाल है बेबीज? सी, यू शुड ऑलवेज हैव दैट स्माइली फेस। कितने ही लगे हुए हो आपके, ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? क्या हो गया? अरे क्या बताऊं भाई, क्या हो गया? यू डोंट नो, बहुत बड़ा कांड हो गया। ठीक है, कभी और डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी क्या देख रहे हैं हम लोग? अभी हम देख रहे हैं दी बेस्ट शो। क्या देख रहे हैं? हमने हमारी सीरीज स्टार्ट की थी किसकी? हमारे फेवरेट सब्जेक्ट की, विच वॉज एंड विच इज सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। तो हमने पिछले लेक्चर्स में हमारे 10 चैप्टर्स देख लिए हैं। किस सीक्वेंस में देखा? पहले देखा कि कंपनी क्या होती है, कंपनी कैसे फॉर्म होती है, कंपनी फॉर्म होने के बाद उसको फॉर्म करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। ठीक है, कंपनी के जो दो सेगमेंट्स थे, ओनर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, हमने देखा कि ये लोग अलग अलग होते हैं, बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, अलग अलग टाइप के बिजनेसेस होते हैं, ये सारी चीजें हमने देखी। अब इन बिजनेसेस को संभालता कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में देखा, सेक्रेटरी के बारे में देखा, है ना, ये सारी चीजें हमने देख ली। पहले कंपनी के बारे में समझा, फिर कंपनी को संभालने वालों के बारे में समझा, और फिर अब हम उस सेगमेंट में आ गए हमारे सब्जेक्ट के, जहां पे हम देखते हैं कि कंपनी किन किन लोगों के साथ डील करती है, और कंपनी का एक जो बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, जो बंदा कौन होता है हमारा कंपनी सेक्रेटरी, वो किन किन लोगों से डील करता है ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी, है ना सर? पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि करेस्पॉन्डेंस विथ डायरेक्टर, किसका करेस्पॉन्डेंस भाई? सेक्रेटरी का। सेक्रेटरी कैसे डील करता है, कैसे करेस्पॉन्ड करता है, किसके साथ? डायरेक्टर्स के साथ। अब हम हमारे 11th चैप्टर में देखने वाले हैं कि एक सेक्रेटरी कैसे करेस्पॉन्ड करता है बैंक्स के साथ। सी, बैंक्स जो होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे बिजनेस को रन करने के लिए। जो दो बड़ी एंटिटीज हैं, मान लो ये कोई बड़ी एंटिटी है, कोई बड़ा बिजनेस है, वो कोई बड़ी कंपनी है, इस कंपनी का नाम एक्स लिमिटेड है, और ये किसी और दूसरी कंपनी के साथ किसी बिजनेस में एंटर कर रही है, किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही है कि भाई हम एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो अब सामने वाली ये जो दूसरी कंपनी है ना, वाई लिमिटेड जो है ना, ये क्या कर रही है? ये आपकी मार्केटिंग का काम कर रही है, कोई एडवर्टाइजिंग कंपनी है। तो हमने जो गुड्स मैन्युफैक्चर किए, हम चाहते हैं कि आप हमारी गुड्स की एडवर्टाइजमेंट्स करो, अपनी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमारे गुड्स के सेल को बढ़ाओ। ठीक है, तो ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, इस ट्रांजैक्शन में मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट होगा, पैसों का इन्वॉल्वमेंट होगा, कोई ना कोई लेन देन होगा, है कि नहीं? कोई ना कोई लेन देन होगा। तो अब ये जो लेन देन हो रहा है, ये किसके थ्रू हो रहा है? ये लेन देन जो हो रहा है, ये हमारे बैंक्स के थ्रू हो रहा है। तो हमारे कुछ ऑथराइज्ड बैंक्स रहते हैं, जिनके साथ हमारी कंटिन्यूस डीलिंग्स चलती रहती हैं, कंटिन्यूस हमारी उनके साथ कम्युनिकेशन होना जरूरी है। तो अब ये सारे कम्युनिकेशंस, ये सारे करेस्पॉन्डेंस ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी कौन करता है बैंक्स के साथ? हमारा सेक्रेटरी करता है। अभी तक हमने जो पिछले चैप्टर्स देखे उनके कंपैरिजन में अब जो हम चैप्टर्स देख रहे हैं, दे आर लेस सिग्निफिकेंट, तो नहीं बोलूंगा, दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट, लेकिन दे आर लेस टेक्निकल। हम अपनी सारी जो जरूरी टेक्निकल टर्म्स वगैरह थी, वो सब हमारे पिछले लेक्चर्स में सीख के आ रहे हैं। अब हमको क्या करना है? अब हमको समझना है कि एक कंपनी कंपनी अपने सेक्रेटरी से कैसे करेस्पॉन्ड करवाती है, इन आउटसाइडर्स से, या फिर हमारे इंटरनल मैनेजमेंट से, या फिर हमारी अथॉरिटीज से। देखी थी ना हमने अथॉरिटीज कौन कौन सी होती हैं? अगर कोई लिस्टेड कंपनी है तो उसके ऊपर एक अथॉरिटी बैठी हुई है, सेबी कहते हैं जिसको। अगर कोई कंपनी है जो कंप्लायंसेस वगैरह कर रही है, उन सब कंप्लायंसेस को कौन करेगा? एक कंपनी सेक्रेटरी करेगा। किसके थ्रू करेगा? आरओसी के थ्रू करेगा। आरओसी कौन है? आरओसी भी एक अथॉरिटी है। ठीक है, तो ये हमारे हम अगले चैप्टर में देखेंगे। इस चैप्टर में हम लोग क्या देखने वाले हैं? इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि हमारा सेक्रेटरी बैंक्स के साथ कैसे कम्युनिकेट करेगा,
और बैंक्स के साथ कम्युनिकेट करेगा, उसके पहले हम ये देखते हैं कि ये बैंक्स होते क्या है, क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं बैंक्स। एक हमको यूजुअल आइडिया जो है, एक जनरल आइडिया है हमको हमारे बैंक्स के बारे में, क्योंकि आज की डेट में हम किसको नहीं पता है कि बैंक्स क्या होता है, हम सबको पता है कि बैंक्स क्या होता है। ठीक है सर, आगे बताओ। तो इस चैप्टर में हम एक्सक्लूसिवली बात करने वाले हैं बैंक्स के बारे में, व्हाट ऑल फंक्शंस दे परफॉर्म, एंड द सेक्रेटरी ऑफ आर्स जो कम्युनिकेट करता है बैंक्स के साथ कैसे करता है, क्या क्या एसेंशियल्स हैं जो उसको अपने दिमाग में रखना है जब वो बैंक के साथ कम्युनिकेट करे। ठीक है, हो सकता है हमारा ये वाला लेक्चर जो हो वो थोड़ा सा लंबा जाए, अपनी कुर्सी की पेटियां बांध के रखो और समझो कि आज हम क्या पढ़ रहे हैं। बैठो, समझो, सीखो। ठीक है सर, तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा इंट्रोडक्शन क्या है। बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो क्या कर रहा है, जो हमारे ट्रेड में हमारी मदद कर रहा है, हमारे बिजनेस को रन करने में हमारी मदद कर रहा है। कैसे कर रहा है भाई, अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करके। अब ये कौन सी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कैसी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ये एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले एक बैंक का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, जो वो मेन बिजनेस है बैंक का वो क्या है। भाई हमारे बैंक का जो मेन बिजनेस है ना, वो है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, यानी पैसे लेना, उसको अपने पास डिपॉजिट करके रखना। और सेकंड फंक्शन क्या है, लेंडिंग फंड्स, यानी हमारे जो पैसे उसने डिपॉजिट किए हैं वो किसी और को लेंड करेगा, यानी किसी और को उधार देगा। किस फॉर्म में, लोन्स के फॉर्म में देगा, एडवांस के फॉर्म में देगा, ये सब आगे देखेंगे। ठीक है, अब मीनिंग समझते हैं। सबसे पहले एक बैंक का मीनिंग क्या होता है, अ बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन विच दोज पीपल हु हैव आइडियल एंड सरप्लस ऑफ कैश, दे डिपॉजिट देयर सरप्लस कैश इन द बैंक, और फिर इसी बैंक, इसी अमाउंट को, जो पैसा हमने डिपॉजिट किया है बैंक में, इसी अमाउंट को, इसी फंड्स को बैंक क्या करेगा, आपको लैंड कर देगा किसी और को, जिनको रिक्वायरमेंट है, जिनको पैसे की जरूरत है, जिनको लोन की जरूरत है, वो आप बैंक आपका उनको लैंड कर देगा। ठीक है सर, क्या करता है बैंक, कैसे करता है। अब भाई बैंक जो है आपसे पैसा लेता है एक मिनिमल अमाउंट पे, कि आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट देता है। मान लो बैंक आपको दे रहा है 2% इंटरेस्ट, वहीं पे वो पैसा बैंक लैंड कर रहा है, यानी लोन में दे रहा है, कितने से, 5% से। एक हमने एग्जाम्पल लिया कि हमको दे कितना रहा है वो इंटरेस्ट, वो 2% दे रहा है, लेकिन वहीं पे सामने वाले को लोन कितने पे दे रहा है उसी पैसे से, 5% पे। तो अब ये जो डिफरेंस है ना हमारे 5% और 2% का, कितना है, 3% जो डिफरेंस आया है ना, ये होती है हमारे बैंक की कमाई, ये होता है हमारे बैंक का प्रॉफिट। ठीक है सर, बैंक प्रमोट्स सेविंग हैबिट्स अमंग द पीपल एंड चैनलाइज दी सेविंग्स इनटू प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। जो पैसा लोग सेव कर रहे हैं, सेव करने के इंटेंट से बैंक के पास डिपॉजिट कर रहे हैं, बैंक क्या करता है, उसी पैसे का इस्तेमाल करके, उसी पैसे को चैनलाइज करके अपना प्रॉफिट का माध्यम बनाता है, यानी अपना प्रॉफिट कमाता है। कैसे, जो पैसा हमसे ऐसा बोरो करता है उसी को लैंड कर देता है। ठीक है सर, आगे देखते हैं। हमारे ये केन्स क्रॉस ने एक डेफिनेशन दी है कि बैंक क्या है, बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन जो क्या करता है, जो डील करता है मनी और क्रेडिट में। ठीक है, सिंपल सोबर प्लेन डेफिनेशन। बैंक क्या है, बैंक वो है जो डील करता है किससे, पैसे से और क्रेडिट से। ठीक है सर, अब हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्या कहता है, बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टिंग ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पीपल रिपेबल ऑन डिमांड। उन लोगों से पैसा ले रहा है जो कभी डिमांड करें तो वो पैसा वापस ले सकते हैं, और उस पैसे को क्या कर रहा है, उस पैसे को अपना
प्रॉफिट का माध्यम बना रहा है, यानी उस पैसे को लैंड कर रहा है और उससे अपनी इनकम जनरेट कर रहा है। अब ये लोग जो रिपेबल हैं, जो डिमांड करके अपना पैसा वापस ले सकते हैं बैंक से, वो कैसे कैसे ले सकते हैं भाई? चेक के थ्रू ले सकते हैं, ड्राफ्ट के थ्रू ले सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर और कोई प्रोसीजर्स। अब जैसे हम लोग एटीएम में जाते हैं, हम एटीएम में गए, हमने हमारा पैसा निकाला, हमने पैसा कब निकाला? जब हमने हमारा पैसा बैंक में डिपॉजिट किया होगा तभी तो हमने पैसा निकाला ना। तो ऐसा नहीं होता है कि भाई बैंक ने आपसे पैसा लिया और सारा पैसा लैंड कर दिया, सारा पैसा लोन में दे दिया। वो एक अमाउंट रिजर्व करके रखता है कि कल को आपको पैसा लगे तो वो इन अ मोमेंट, एट दैट मोमेंट आपको पैसा दे दे। ठीक है सर? भाई बैंकिंग कंपनी एज एनी कंपनी विच ट्रांजेक्ट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। बैंकिंग कंपनी क्या है? बैंकिंग कंपनी की डेफिनेशन क्या है? बैंकिंग कंपनी वो कंपनी है जो क्या कर रही है? ट्रांजेक्ट कर रही है। क्या बिजनेस? किसमें भाई? बैंकिंग में। जो भी बैंकिंग में ट्रांजेक्ट कर रही है कंपनी, उसको हम क्या कहते हैं? बैंकिंग कंपनी कहते हैं। ठीक है सर? इसके बाद ये सारी जो डेफिनेशन हमने ऊपर पढ़ी, बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन, उसके हिसाब से बैंक क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है जो पैसे लेता है और डिपॉजिट करता है और उसी पैसे को लेंड करता है अलग अलग तरीकों से। अब हम देखेंगे कि ये अलग अलग तरीके हमारे क्या हैं। ठीक है सर? क्या हैं अलग अलग तरीके? सबसे पहले तो ये चार्ट देख लो, हमने एक चार्ट बनाया है इसका कि बैंकिंग क्या है। बैंकिंग इज अ फाइनेंशियल, बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन विच दोज पीपल हु हैव आइडल कैश, सरप्लस कैश, कैन डिपॉजिट इट। कहां पे? बैंक में। एंड दोज हु रिक्वायर्स कैश कैन टेक लोन और बोरो मनी फ्रॉम बैंक। ठीक है सर? इसको रेगुलेट कौन करता है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 रेगुलेट्स द बैंकिंग। बैंक्स को जो रेगुलेट करता है वो हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है। ठीक है सर? आ गया समझ में? अब इसके बाद हम हमारे फंक्शंस देखेंगे। सबसे पहले हम आज नया पैटर्न फॉलो कर रहे हैं कि पहले हम एक बार बुक से रीड कर रहे हैं सब कुछ, उसके बाद हमने जो हमारे नोट बनाए वो देखेंगे। ठीक है सर? अब देखो हमारे क्या क्या फंक्शन है एक कमर्शियल बैंक के। कमर्शियल बैंक के ना दो फंक्शंस हैं, एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है। अब प्राइमरी फंक्शन में हम देखें तो प्राइमरी फंक्शन के अंदर भी दो फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है वो। पहला क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। पहला एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। अब देखते हैं एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में क्या क्या कहता है। और दूसरा है हमारा लेंडिंग मनी। लेंडिंग मनी क्या है? लेंडिंग मनी भी एक एक करके हम देखेंगे, एक्सेप्टिंग भी देखेंगे, लेंडिंग भी देखेंगे। ठीक है सर? ठीक है सर? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक इज द बेसिक और प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ कमर्शियल बैंक। द बैंक पेज इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट एट लोअर रेट एंड चार्जेस इंटरेस्ट ऑन लोन एट हायर रेट। हमने देखा 2% में हमसे ले रहा था और 5% में उसी पैसे को क्या कर रहा था? लेंड कर रहा था, लोन दे रहा था उसी पैसे पे। तो ये जो डिफरेंस आया ये क्या हुआ? ये डिफरेंस जो आया ये बैंक का प्रॉफिट था। ठीक है सर? पीपल हु हैव सरप्लस फंड्स एंड सेविंग्स डिपॉजिट द अमाउंट विद द बैंक इन डिफरेंट टाइप ऑफ डिपॉजिट्स। अब ये अलग अलग टाइप के जो डिपॉजिट करते हैं लोग, वो देखते हैं कि कैसे कैसे डिपॉजिट्स होते हैं। सबसे पहले हमारा होता है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या है? डिमांड डिपॉजिट यानी वो अमाउंट जो आपकी डिमांड पर आपको रीपे कर दिया जाएगा, यानी आपने डिमांड की और आपको आपका पैसा मिल गया। आपने जो पैसा डिपॉजिट कर रखा था बैंक में वो क्या था? वो डिमांड डिपॉजिट था कि मैं जब पैसा चाहूंगा मेरे हाथ में आ जाएगा। अब इसमें भी दो टाइप्स हैं डिमांड डिपॉजिट्स के, दो फॉर्म्स हैं। क्या क्या है? पहला है सेविंग डिपॉजिट, दूसरा है करंट डिपॉजिट। अब सेविंग डिपॉजिट और करंट डिपॉजिट क्या होता है भाई? सेविंग डिपॉजिट क्या होता है? इट एनकरेजेस पीपल टू सेव। क्या? सेव मनी। कैसे? बाय अलाउइंग देम टू डिपॉजिट इन द बैंक। कैसे? बाय ओपनिंग अ सेविंग अकाउंट।
आप देखो यूजुअली हम लोग अभी जितने लोग बैठे हुए हैं ना यहाँ पे, हम लोगों के पास सबके पास सा सेविंग अकाउंट ही है। क्यों है? बिकॉज वी वॉन्ट टू सेव सम मनी, ठीक है। अब ये सेविंग अकाउंट जो होता है ना, इसका एक आपका लिमिटेशन है कि आप बहुत फ्रीक्वेंटली पैसे नहीं निकाल सकते हैं। आपके ऊपर ना एक लिमिट होती है कि आप एक लिमिट तक ही पैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो देर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीक्वेंसी एंड द अमाउंट ऑफ विड्रॉल्स फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट। आप जब सेविंग बैंक अकाउंट शुरू करते हैं तो आप देखते हैं कि आप एक दिन में इतना ही पैसा निकाल सकते हैं, आपकी लिमिट एक्सीड हो गई है, या फिर आप एक महीने में इतना पैसा निकाल सकते हैं, आपकी लिमिट एक्सीड हो गई है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको क्या मिलता है? एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट मिलता है अवेलेबल ऑन डिमांड। अगर आपको चाहिए तो आपको एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट मिलेगा। आप देखते हैं कि आप जब भी अपने बैंक अकाउंट वगैरह बनाते हैं तो आजकल ना हमारे ऐप्स आने लगे हैं बैंक अकाउंट्स के, हम बैंक्स के जो ऐप हैं वो आने लगे हैं। तो आप जब उस ऐप में लॉग इन करते हैं, आप अपना अकाउंट डिटेल्स वगैरह डालते हैं, तो उसमें ना आप अपनी पासबुक जो है वो पासबुक और दूसरे फंक्शंस आप अपने ऐप से ही परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये क्या है? ये बैंक अपनी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है कि भाई काम करो, ये ऐप डाउनलोड कर लो, ऐप के थ्रू आपके सारे काम हो जाएंगे। आपको पासबुक चाहिए, आपको इलेक्ट्रॉनिक पासबुक कहाँ मिल जाएगी? आपके अकाउंट में मिल जाएगी। आपको स्टेटमेंट चाहिए, आपको सारा स्टेटमेंट आपके अकाउंट में मिल जाएगा। सी पासबुक इज इश्यूड टू द डिपॉजिटर्स, यानी जो डिपॉजिटर्स हैं उनको पासबुक इशू करता है बैंक। अब समझो करंट डिपॉजिट क्या होता है। करंट डिपॉजिट इज द अकाउंट Which is normally opened by business person, यानी कोई businessman है वो ये account खोलता है। क्यों खोलता है? क्योंकि उसको बहुत frequently transaction करने के लिए ऐसा पैसा लगता रहता है कि यार businessman है तो बहुत सारे transaction एक दिन में हो जाते हैं, कोई limit नहीं है transactions की, कभी कभी बहुत पैसा हो जाता है जो ऐसा transact किया हुआ है। तो इसमें क्या होता है ना, आपके current account में कोई limit नहीं होती आपकी frequency में कि आप कितना भी आप transact कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है ना, इसमें आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। जैसे हमने देखा था कि सेविंग अकाउंट में हमको एक मिनिमल इंटरेस्ट देती है हमारी बैंक, ठीक है सर। इसके बाद क्या है, हमारे ना बैंक के पास हमारे करंट अकाउंट होल्डर्स के पास ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है। अब ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है, ये हम आगे आने वाले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है सर। अब सेकेंड फॉर्म क्या है हमारा डिपॉजिट का, टाइम डिपॉजिट। अब समझो द टाइम डिपॉजिट इज नॉट रीपेबल ऑन डिमांड। द टाइम डिपॉजिट इज नॉट रीपेबल ऑन योर डिमांड। ये टाइम डिपॉजिट क्या होता है, ये एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है कि भाई आपने इतने इतने टाइम के लिए आपका पैसा डिपॉजिट किया है, उसके पहले आप डिमांड भी करेंगे तो भी आपको पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। मान लो आपने एक स्पेसिफिक अमाउंट एक स्पेसिफिक टाइम के लिए बैंक में जमा करवाया है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं टाइम डिपॉजिट। जैसे हमने सुना है ना एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट। मान लो मैं ये बंदा हूं, मैंने क्या किया, मैंने 5 लाख रुपए आपके अकाउंट में मतलब अपनी एफडी कराई है 5 लाख रुपए की। अब इस एफडी को मैंने करवाया है अपने 5 साल के लिए, मैंने क्या करवाया है, मैंने 5 साल के लिए एफडी कराई है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं 5 साल तक ये पैसा नहीं निकाल सकता और मुझे जो इसमें इंटरेस्ट मिलेगा वो पीरियोडिकली मिलेगा। पीरियोडिकली मतलब या तो 6-6 महीने में या साल भर में या फिर जब ये मेरी एफडी मैच्योर हो जाएगी, यानी जो मेरा स्पेसिफाइड टाइम था, मैंने मान लो 5 साल के लिए एफडी ली थी, तो जब ये 5 साल पूरे हो जाएंगे तब मुझे इस एफडी का अमाउंट और इस पे जो भी इंटरेस्ट बना है वो मिलेगा, ठीक है सर, ठीक है सर। अब अगर मुझे इस एफडी के बेसिस पे इस एफडी के अगेंस्ट पे लोन चाहिए तो मैं बैंक के पास जाकर बोल सकता हूं कि भाई ये मेरी 5 लाख रुपए की एफडी है, प्लीज इस एफडी के अगेंस्ट में मुझे आप 3 लाख रुपए का लोन दे दीजिए। तो बैंक क्या करेगी, आपकी एफडी के अगेंस्ट में आपको 3 लाख रुपए का लोन दे देगी,
ठीक है सर, फिक्स डिपॉजिट आर डिपॉजिट रिसीव फॉर फिक्स पीरियड, इट कैरीज स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट विच डिपेंड्स ऑन द पीरियड ऑफ डिपॉजिट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाई और फिक्स्ड। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इसमें आपको ज्यादा मिलता है क्योंकि आपने एक साथ इतना सारा पैसा दे दिया यार, ऑब्वियसली आपको ज्यादा मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है। रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है भाई? रिकरिंग डिपॉजिट यानी वो डिपॉजिट जो मैंने ऐसा स्पेसिफाइड टाइम के लिए किया है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, थोड़े थोड़े टाइम में वो पैसा देता जा रहा हूं। जैसे मान लो पहले साल में मैंने 50,000 दिए, दूसरे साल में 50,000 दिए, तीसरे साल में 50,000 दिए, चौथे में 50, पांचवे में 50, ऐसे मैंने क्या किया, मैंने एक स्पेसिफाइड टाइम डिसाइड कर लिया कि इतने टाइम तक मैं आपको इतना इतना पैसा इतने इतने टाइम में देता रहूंगा। इसमें भी आपको क्या मिलता है, इसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है, और इसका इंटरेस्ट क्या होता है, इसका इंटरेस्ट रेट भी हाई होता है विजाविज एज कंपेयर टू सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में हमको जो इंटरेस्ट मिलता है वो बहुत मिनिमल होता है, इसमें थोड़ा ज्यादा मिलता है हमको। ठीक है सर, एक बार पढ़ो। इन ऑर्डर टू एनकरेज कस्टमर टू मेक रेगुलर सेविंग्स, बैंक रिसीव डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट। अ कस्टमर इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट अ फिक्स्ड सम ऑफ मनी फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। एक फिक्स्ड अमाउंट आपको पे करना है एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, थोड़ा थोड़ा करके भी चलेगा। ठीक है, द मनी इज डिपॉजिट पीरियोडिकली। सी पीरियोडिकली, एक एक टाइम पे, एक पीरियड आपने डिसाइड कर लिया है, हर उस टाइम पे, साल के हर उस टाइम पे आपको वो पैसा जमा करना है। ठीक है सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मोर देन सेविंग डिपॉजिट। पासबुक मिलेगी आपको, और अगर आपको ई स्टेटमेंट चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट चाहिए, तो आपको वो भी मिलेगा ऑन डिमांड। ठीक है, हमारा सेकेंड फंक्शन क्या है हमारे बैंक का, इज लेंडिंग मनी। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन के दो फॉर्म्स देखे, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लेंडिंग मनी। अब लेंडिंग मनी पे बात करेंगे। लेंडिंग मनी क्या होता है, आउट ऑफ द डिपॉजिट एक्सेप्टेड आफ्टर कीपिंग सर्टेन कैश रिजर्व। सी मैंने आपको बताया था कि बैंक जो पैसा आपसे लेती है वो सारा लैंड नहीं कर देती है, कुछ अमाउंट अपने पास रिजर्व रखती है। ठीक है, कमर्शियल बैंक ग्रांट्स लोन्स एंड एडवांस टू द नीडी बोरोवर्स, जिनको जरूरत है बैंक उनको लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, जनरली बैंक ग्रांट्स लोन एंड एडवांस टू द बोरोवर्स इन फॉलोइंग फॉर्म्स। कौन कौन से फॉर्म में देती है भाई, आओ देखते हैं। अब देखो, लोन्स जो है, अ लोन ग्रांटेड फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ठीक है, एक लोन के फॉर्म में दे रही है। कैसे दे रही है, आपने गोल्ड रखवाया है, आपने सिल्वर रखवाया है, या फिर आपने मूवेबल या फिर कोई ऐसी इमूवेबल एसेट रखवाई है। ठीक है, आपको बैंक लोन तो दे रही है, लेकिन किसके अगेंस्ट, एक सिक्योरिटी रखवा के देगी ना, ऐसे ही थोड़ी दे देगी। आपके मामा का लड़का है क्या बैंक, क्या आपको पैसे उठाया और दे दिया? ऑफकोर्स नॉट। आपसे कुछ ना कुछ सिक्योरिटी तो रखवाएगी वो, आपने गोल्ड रखा है या फिर आपने सिल्वर रखा है या फिर कोई मूवेबल। मान लो मैंने अपना ये कोई असेट है, मूवेबल असेट है, इसको मैंने बैंक के पास एज अ सिक्योरिटी रखवाया है कि भाई मेरे को पैसा दो थोड़ा सा, जब मैं आपको पैसा वापस कर दूं तो मेरा ये जो सामान है ये मेरे को वापस दे देना, ये मूवेबल असेट हो गया। वहीं अगर मेरे को कुछ ज्यादा पैसा चाहिए, बड़ा अमाउंट चाहिए, तो मैंने क्या किया, अपनी कोई प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी के कागज जो है बैंक के पास रखवा दिए कि भाई आप मुझे जो है पैसा दे दो, मैं जब पैसा दे दूंगा आप मेरी प्रॉपर्टी के वापस दे देना, मेरे प्रॉपर्टी के कागज। ठीक है सर, इसके बाद हम देखते हैं कितने टाइप के टर्म लोन्स होते हैं। सबसे पहले होता है शॉर्ट टर्म लोन। अब शॉर्ट टर्म लोन क्या होता है, शॉर्ट टर्म लोन वो लोन होता है जो एक साल तक के लिए हमने लिया है, एक साल तक के लिए हमने जो लोन लिया है वो शॉर्ट टर्म लोन कहलाता है, और इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपको कम होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है। और ये जो है ना, ये यूजुअली बिजनेसमैन के थ्रू लिया जाता है। क्यों लिया जाता है, उनकी डेली डे टू डे जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं वो परफॉर्म करने के लिए। ठीक है सर, उसके बाद देखते हैं मीडियम टर्म लोन क्या है। मीडियम टर्म लोन क्या है, जो एक साल से लेकर पांच साल तक के लिए जो लोन लिया गया है, इस लोन में इंटरेस्ट हमारे शॉर्ट टर्म लोन से थोड़ा ज्यादा होता है। उसके बाद हमारा जो
लॉन्ग टर्म लोन है, लॉन्ग टर्म लोन जो है ना ये सबसे खतरनाक लोन है भाई साहब। ये लोन लिया जाता है 5 साल के लिए या 5 साल से ज्यादा के लिए। अगर मैंने 5 साल से ज्यादा के लिए कोई लोन लिया है तो उसमें जो इंटरेस्ट होता है उसमें इंटरेस्ट ताबड़तोड़ होता है भाई साहब, बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू शॉर्ट टर्म लोन, एज कंपेयर टू मिडिल टर्म लोन बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। ठीक है सर, अब ये हमारे एडवांसेस क्या होते हैं? एडवांस यानी पैसा आपको बैंक ने एडवांस में दिया है, ये लोन नहीं है। लोन भी तो पैसा एडवांस में दे रही है, नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये लोन्स नहीं है। लोन्स क्यों नहीं है? क्योंकि इनका जो टाइम स्पैन होता है ना ये लोन्स के कंपैरेटिवली बहुत कम होता है। ठीक है, इट इज प्रोवाइडेड बाय द बैंक टू इट्स कस्टमर एंड इट इज डिफर्स, इट डिफर्स फ्रॉम लोन। कैसे भाई? आपके लोन्स जो होते हैं वो लॉन्गर पीरियड के लिए होते हैं, लेकिन हमारे एडवांस जो है वो थोड़े शॉर्टर पीरियड के लिए होते हैं। द पर्पस ऑफ ग्रांटिंग एडवांस is to meet day-to-day requirement of a businessman. Interest is charged only to the amount withdrawal by the customer. यानी आपको एक लिमिट दे रखी है किसने? बैंक ने, कि आप इतने इतने लिमिट तक अपना अकाउंट में से पैसा यूज कर सकते हो, एडवांस यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आपको जो लिमिट दे रखी है ना बैंक ने, आपको उस लिमिट में इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन आपने जितना भी पैसा, जितना अमाउंट विड्रॉ किया है उसमें से उतने अमाउंट में आपको इंटरेस्ट लगेगा। सी, ओवरड्राफ्ट एक टाइप है हमारे एडवांसेस का। क्या है ओवरड्राफ्ट? ओवरड्राफ्ट इज अ क्रेडिट फैसिलिटी ग्रांटेड बाय बैंक टू करेंट अकाउंट होल्डर्स। अब जिनके पास करेंट अकाउंट है, यानी जो बड़े बिजनेसमैन हैं, फर्म्स हैं या फिर कंपनी है, इनके यूजुअली क्या होते हैं? करेंट अकाउंट होते हैं। तो इन करेंट अकाउंट होल्डर्स को ना एक ओवरड्यू का आप फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। हमने देखा था करेंट अकाउंट में ओवरड्यू फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब ये ओवरड्यू फैसिलिटी क्या है? ओवरड्यू फैसिलिटी क्या है भाई? जो आपका कस्टमर है ना वो ओवरड्रॉ करता है पैसा, ओवरड्रॉ करता है यानी उसके अकाउंट में उतना पैसा है भी नहीं, लेकिन वो उतने पैसे का आपने ट्रांजेक्शन कर लिया। अब ये एग्जाम्पल के थ्रू समझो, ये एक बंदा है हमारा, इसके पास क्या है? इसके पास ना करेंट अकाउंट है, इसके पास करेंट अकाउंट है और इसके अकाउंट में है 1200 रुपए। लेकिन अब इसने होशियारी के चक्कर में, बड़ा बिजनेसमैन बनने के चक्कर में क्या किया भाई? गया और इस सामने वाले बंदे से, जो एक और बिजनेसमैन है, इससे एक बिजनेस डील क्रैक कर ली। और इस बिजनेस डील में इस बंदे को हमारे क्या करना है? इस बंदे को इसे 10,000 रुपए देने हैं, लेकिन इसके अकाउंट में कितने? इसके अकाउंट में तो 1200 रुपए है। लेकिन बंदा जो है हमारा, ये क्या है? ये करंट अकाउंट होल्डर है। इसने क्या किया? इसने पेमेंट किया और इसके अकाउंट में 10,000 पहुंच गए। अरे सर ऐसे कैसे? बस हम वही तो जान रहे हैं, जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड कर रहा है वो यही तो है कि अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं भी है तो मैं आपके बिहाफ में सामने वाली पार्टी को पैसा दे देती हूं। मैंने क्या किया? मैंने 10,000 रुपए इसके अकाउंट में भिजवा दिए। अब मान लो मेरी लिमिट 10,000 की ही थी, मेरी लिमिट जो थी 10,000 की थी, बैंक ने मेरे को 10,000 की लिमिट दे रखी थी कि आप 10,000 तक का ट्रांजेक्ट कर सकते हैं। मैंने कितने का ट्रांजेक्शन किया बैंक की तरफ से? 8,800 रुपए का, क्योंकि 1200 रुपए तो मेरे अकाउंट में थे ही ऑलरेडी, तो मेरी 1200 की लिमिट अभी भी बची हुई है कि नहीं? तो अब जो मुझे इंटरेस्ट लगेगा वो मेरे 8,800 रुपयों में लगेगा, ना कि 10,000 रुपए में, क्योंकि लिमिट तो 10,000 की थी, लेकिन इस लिमिट में से मैंने इस्तेमाल कितना किया? मैंने इस्तेमाल किया 8,800 रुपयों का। ठीक है सर, समझ में आ गया ओवरड्राफ्ट क्या होता है। अब कैश क्रेडिट क्या होता है? एक चीज और, ओवरड्राफ्ट जब आप करते हैं ना, आपके करंट अकाउंट होल्डर्स जो होते हैं इनको ना एक सिक्योरिटी के सिक्योरिटी में कुछ ना कुछ रखना पड़ता है कोलेटरल। क्या रखते हैं ये लोग भाई? शेयर्स हो सकते हैं या फिर आपकी FDR हो सकती है। FDR क्या होती है? फिक्स डिपॉजिटरी रिसीट, जो आपको बैंक देता है जब आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं। ठीक है, तो आपको वो स्लिप आपकी बैंक के पास रखवाना पड़ता है एज अ सिक्योरिटी जब आप ओवरड्राफ्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, कल को आप अगर ये पैसा लेके भाग गए तो क्या करेगी बैंक? बैंक ये जो आपने सिक्योरिटी रखवाई है इसको बेचकर अपना पैसा रिकवर कर लेगी।
ठीक है सर। अब कैश क्रेडिट समझो क्या होता है। कैश क्रेडिट क्या है, आपने आप कोई बिजनेसमैन है और आपको क्या चाहिए, आपको सबसे पहले तो ना कैश क्रेडिट करने के लिए कैश क्रेडिट अकाउंट खुलवाना पड़ता है अलग से, ठीक है। अब आपको कोई रॉ मटेरियल खरीदना है या कोई फिनिश्ड गुड्स खरीदना है, तो आपने क्या किया, आपको बैंक ने फैसिलिटेट करके रखा था, जब आपने कैश क्रेडिट अकाउंट खोला तो आपको एक लिमिट तक आपको बैंक ने क्या कर रखा था, अलाउ कर रखा था कि आप इतने अमाउंट तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, बैंक कर देगी। लेकिन क्या होगा, यही जो आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जो आप गुड्स खरीद रहे हैं, जो रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, जो फिनिश गुड्स खरीद रहे हैं, यही आपकी सिक्योरिटी बन जाएगी, ठीक है। यू नीड सिक्योरिटीज लाइक स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल या फिर फिनिश्ड गुड्स आर रिक्वायर्ड टू अवेल दिस फैसिलिटी। भाई अंडर कैश क्रेडिट फैसिलिटी अ बैंक अलाउज बोरोअर टू विड्रॉ अमाउंट अप टू अ स्पेसिफिक लिमिट, और इसमें भी हमने जितना अमाउंट विड्रॉ किया है उतने ही अमाउंट में हमको क्या लगता है, इंटरेस्ट लगता है, ठीक है सर, इंटरेस्ट लगता है। अब डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का क्या मतलब है, इसको ना ऐसे एग्जांपल से समझो। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल क्या है, ये मान लो ये हमारे हरीश सर, अब हरीश सर ने ना क्या किया, इस दूसरे बिजनेसमैन से जो कृष्णा सर है हमारे, इनसे क्या किया, कुछ तो भी ट्रांजैक्शन किया होगा, तो हरीश सर ने क्या किया, हरीश सर ने इनको गुड्स दिए और उसके एक्सचेंज में कृष्णा सर ने क्या दिया उनको, उनको दिया एक बिल जिसमें लिखा था कि भाई मुझे आपको 10,000 रुपए देने हैं और मैं आपको 10 तारीख तक वो 10,000 रुपए दे दूंगा, ठीक है। अब हरीश सर को क्या हुआ, अर्जेंट पैसे की नीड पड़ गई, हरीश सर को अर्जेंट पैसे की नीड पड़ गई, तो हरीश सर कहां गए, बैंक के पास गए ये बिल लेकर, और उन्होंने बैंक को कहा उन्होंने कि भाई मेरे पास ये 10,000 रुपए का बिल है, प्लीज इसको ले लो और मुझे हार्ड कैश दे दो, कैश चाहिए मुझे, कैश चाहिए। तो क्या किया इन्होंने, जाकर उनसे हार्ड कैश ले लिया। अब बैंक तो बेवकूफ है नहीं ना, बैंक का भी तो फायदा होना चाहिए ना कुछ। आज की तारीख मान लो 12 है, 12/2/2022, और हरीश सर को पैसा कब मिलने वाला है, हरीश सर को पैसा मिलने वाला है 1 महीने बाद 10/3/2022 को मिलने वाला है। तो बैंक ने क्या कहा कि भाई मैं तुझे पैसा तो दे देती हूं इस बिल के बेस पे, लेकिन मैं 10,000 की जगह तुझे 9,000 ही दूंगी, क्योंकि ये पैसा जो है वो अगले महीने आने वाला है। तो जो 1,000 रुपए बैंक ने बचाया, ये क्या कहलाया, ये बैंक का प्रॉफिट कहलाया। कल को जब अपनी 10 तारीख आ जाएगी अगले महीने की, तो हमारे कृष्णा सर जो हैं, ये जाकर बैंक को 10,000 रुपए दे देंगे, बैंक ने 1,000 रुपए बचा लिए, मेरा भी फायदा हो गया, मतलब हमारे हरी सर का भी फायदा हो गया, उनको तुरंत कैश चाहिए था, तुरंत मिल गया, जो 1 महीने बाद 10,000 मिलने वाले थे उसकी जगह आज के आज मेरे को 9,000 रुपए मिल गए, ठीक है, ठीक है सर। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डिस्काउंटिंग ऑफ बिल कहते हैं। हमने क्या किया, हमारे बिल को डिस्काउंट करवा लिया, कहां से, हमारे बैंक से, ठीक है सर। अब हमारे बैंक के सेकेंडरी फंक्शंस डिस्कस करते हैं, क्या है हमारे बैंक के सेकेंडरी फंक्शंस। तो देखो, द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ अ बैंक कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला क्या है, एजेंसी फंक्शन। अब एजेंसी फंक्शन क्या है समझो, बैंक परफॉर्म वेरियस फंक्शंस ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर्स और अकाउंट होल्डर्स, सच एज क्या क्या काम देखती है, देखो भाई कस्टमर के बिहाफ में ना बैंक चेक्स एक्सेप्ट करती है, या हमने देखा है ना कि बहुत बार हम क्या करते हैं, हम लोग बैंक में जाते हैं और चेक जमा करते हैं और चेक के बदले में हमको बैंक क्या करती है, पैसे दे देती है। तो किसी बंदे ने अपने अकाउंट में पैसे जमा करवाए होंगे ना, तभी तो उसके अकाउंट से हमारे पास पैसे आए, है ना। तो बैंक ने उस बंदे के पैसे होल्ड कर रखे थे और हमारे लिए उसने क्या किया,
हमारे लिए उसने चेक एक्सेप्ट किया, चेक कलेक्ट किया और उसने हमको पैसे दे दिए, ठीक है सर, ओके। अब इसके बाद हमने देखा कि भाई कलेक्शन ऑफ डिविडेंड इंटरेस्ट एंड सैलरी, आप मान लो किसी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, हमने पढ़ा था कि जब भी शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट आता है तो वो किस फॉर्म में आता है, वो आता है डिविडेंड के फॉर्म में। और ये जो डिविडेंड है, क्या कंपनी आपको आपके घर पे आपके हाथ में कैश ला के देगी? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। वो क्या करेगी, वो आपके बैंक में आपका पैसा जमा करवा देगी, ठीक है सर। आपका इंटरेस्ट जो आएगा, जो आपने मान लो पैसा आपने बैंक में डिपॉजिट कर रखा है, आपके सेविंग अकाउंट में आपका पैसा डिपॉजिट कर रखा है, तो उस पैसे के ऊपर बैंक जो इंटरेस्ट देगी वो कैसे देगी, वो हमारे इंटरेस्ट के थ्रू देगी, हमारे बैंक के थ्रू देगी, ठीक है। अब सैलरी, यार एज एन एम्प्लॉय मैं क्या कर रहा हूं, काम कर रहा हूं और मेरा एम्प्लॉयर मेरे को उस चीज का पैसा दे रहा है जिसको हम सैलरी कहते हैं। यूजुअली छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है ना कि हार्ड कैश से काम चल जाता है कि आपने हाथ में कैश दे दिया अपने सर्वेंट को या अपने एम्प्लॉय को। लेकिन जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो कंपनीज के बारे में हम देखते हैं, तो आप कभी ऐसा नहीं देखोगे कि किसी एम्प्लॉय को हार्ड कैश में सैलरी दी जा रही है। जब भी उसको सैलरी दी जाती है तो वो इन द फॉर्म ऑफ बैंक ही दी जाती है। भाई आपके बैंक में आपकी सैलरी जो है वो क्रेडिट कर दी गई है, ठीक है सर। तो ये सारे फंक्शंस कौन परफॉर्म कर रहा है, ये हमारा बैंक परफॉर्म कर रहा है, किसके लिए, हमारे लिए, उसके कस्टमर्स के लिए। पेमेंट ऑफ रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, इलेक्ट्रिसिटी बिल, आज के डेट में हम कुछ भी कर सकते हैं बैंक के थ्रू, फोन पे आ गया, गूगल पे आ गया, ये सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं जिसमें हम अपना बैंक कनेक्ट करके, बैंक को अपना एक्सेस देके हम हमारा मोबाइल का रिचार्ज कर सकते हैं, हमारे बिल भर सकते हैं, हमारा रेंट भर सकते हैं, ठीक है, हमारे इंश्योरेंस भर सकते हैं। इसके बाद परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज, आगे जाके जब आप 12th स्टैंडर्ड में पहुंच जाओगे तब हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे कि भाई सिक्योरिटीज क्या होते हैं। शेयर्स इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटीज जो है ना वो एक वाइडर टर्म है। सिक्योरिटीज के अंदर हमारे शेयर्स भी आ जाते हैं, हमारे डिबेंचर्स भी आ जाते हैं, हमारे बॉन्ड्स भी आ जाते हैं, ये सारी चीजें जो है हम आगे जाके देखने वाले हैं। इनका अभी कोई रिलेवेंस नहीं है आपके कोर्स से, लेकिन मैं आपको एक बता रहा हूं कि सिक्योरिटीज क्या होती है। तो ये जो सिक्योरिटीज का खरीदना बेचना होता है ये कैसे होता है, ये हमारे बैंक्स के थ्रू होता है। कैसे होता है, हमारे बैंक्स के थ्रू होता है। हमको पहले क्या करना पड़ता है, एक ब्रोकर के पास जाना पड़ता है जिसको हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कहते हैं, और उस ब्रोकर को हमारे बैंक का एक्सेस देना होता है। वो हम उस एप्लीकेशन में हमारे बैंक के डिटेल्स डालते हैं और फिर हमारे ब्रोकर अकाउंट में, हमारे डीमैट अकाउंट में हम हमारा पैसा ऐड करते हैं, किसके थ्रू, बैंक के थ्रू, और फिर हम सिक्योरिटीज सेल और परचेज कर सकते हैं, ठीक है। कोई गरज नहीं है समझने की, अगर आ रहा है समझ में तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आ रहा है तो हम इसको आगे पढ़ने वाले हैं इन डिटेल, आगे मतलब जब आप लोग 12th स्टैंडर्ड में पहुंच जाओगे, अभी आपके कोर्स में नहीं है और इसका कोई रिलेवेंस नहीं है आपके कोर्स से। तो जितना यहां पे लिखा है सिर्फ उतना याद रख लो एग्जाम पर्सपेक्टिव, ठीक है सर, आप बोल रहे हो तो ऐसा करते हैं। भाई रेमिटेंस ऑफ मनी, अब ये रेमिटेंस ऑफ मनी क्या है, रेमिटेंस ऑफ मनी आपने बोला कि भाई मैं पैसा ट्रांसफर कर सकता हूं थ्रू माय बैंक अकाउंट, मैं अपने बैंक अकाउंट से किसी और के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकता हूं, दिस इज व्हाट वी कॉल रेमिटेंस ऑफ मनी, ठीक है सर। फुलफिल स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ डिपॉजिटर, अब ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन क्या है, कुछ बैंक जो होते हैं वो अपने डिपॉजिटर्स के एक्शंस पे, यानी डिपॉजिटर ने आपको इन्फॉर्म कर दिया कि आपको ये पैसा इतना इतना इस टाइम पे ट्रांजैक्ट करना है, यानी मान लो हम क्या करते हैं, हम कभी ईएमआई वगैरह लेते हैं, मतलब हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा ईएमआई में, मंथली ईएमआई आई हमारी,
तो हमने हमारे बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि भाई हर महीने मेरी ईएमआई इस बंदे को जाएगी, तो हर महीने हमारे बैंक से ईएमआई कट जाती है। तो ये सारे फंक्शंस कौन परफॉर्म कर रहा है? हमारा बैंक परफॉर्म कर रहा है। ठीक है सर, एक्ट एज अ ट्रस्टी, एग्जीक्यूटर ऑफ विल एंड अटॉर्नी। भाई अब ये एग्जीक्यूटर ऑफ विल क्या होता है? विल यानी क्या होता है? वसीयत। जब भी कोई बंदा वसीयत बनाता है अपनी, मान लो ये मेरे दादाजी हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने अपनी विल बनाई और इस विल को बैंक के पास जाकर रखवा दिया, तो बैंक यहां पे क्या कर रही है? बैंक एज अ ट्रस्टी काम कर रही है। और इस विल को उन्होंने कहा कि भाई ये विल मेरे बच्चों को दे देना जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। तो दद्दा जी की विल जो थी वो पप्पा को मिल गई। कब मिली? जब वो स्वर्ग सिधार गए। ठीक है, तो ये जो फंक्शन परफॉर्म किया ये किसने किया? ये हमारे बैंक ने किया। एक्ट एज अ बैंकर टू एन इशू, लीडिंग मैनेजर, लीड मैनेजर एक्सेट्रा फॉर द कंपनीज। अब ये समझो ये क्या है, सिर्फ नाम याद रखो। बैंकर टू द इशू क्या होता है? जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही होती है या फिर जब कंपनी अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग दे रही होती है। अब ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या बता दिया सर? जब कंपनी पहली बार अपनी सिक्योरिटीज, अपने शेयर्स, ये सब तो हमने देखा है, सिक्योरिटीज तो पता है, शेयर्स तो पता है, कंपनी तो पता है। जब कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में पब्लिक करती है, पब्लिक को ऑफर करती है, तो इस टाइम पे जो प्रोसेस करने के लिए जो भी पैसा लगता है, जो भी फंक्शंस, जो भी पैसे का लेन देन होता है, वो किसके थ्रू होता है? भाई कंपनी ने आपको शेयर्स दिए, आप भी तो कंपनी को पैसा दोगे ना, तो जो आप पैसा देते हो वो किसके थ्रू देते हो? कंपनी को, बैंक के थ्रू देते हो, है ना। तो ये एज अ बैंकर टू एन इशू, आपके इशू के टाइम एक बैंकर का रोल प्ले करती है। भाई लीड मैनेजर का रोल प्ले करता है बैंक। लीड मैनेजर क्या होता है? लीड मैनेजर इज अल्टीमेटली एन इंटरमीजरी। इंटरमीजरी मतलब जो आपके इशू के और आपके पब्लिक के बीच में खड़ी हुई है और एक दूसरे को जोड़ रही है। इट इज अ लिंक बिटवीन यू एंड द पब्लिक। ठीक है, फेयर इनफ। ठीक है सर, इसके बाद कुछ यूनिट यूटिलिटी फंक्शंस भी परफॉर्म करता है बैंक। अब ये यूटिलिटी फंक्शंस क्या है? भाई आपके लिए लॉकर फैसिलिटी देता है। कल को आपको कोई सामान है, कोई इंपॉर्टेंट चीज है, आपके पास डायमंड्स हैं, आपके पास गोल्ड हैं, गोल्ड है, तो उसको आपको लॉकर में रखवाना है बैंक के पास। तो आप गए, आपने बोला कि आई नीड सम लॉकर टू कीप ऑल दिस, तो उन्होंने आपको लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करवा दी। भाई लेटर ऑफ क्रेडिट, अब ये लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है समझना। हमारे हरीश सर क्या किए, फॉरेन चले गए। कहां पे हैं ये? अमेरिका में। हरीश सर हमारे अमेरिका पहुंच गए और इन्होंने अमेरिका जाकर किसी अमेरिकन से, ये देखो गोरे से, ये किसी गोरे से जाकर कोई बिजनेस डील कर ली। क्या कर ली? बिजनेस डील कर ली। अब इस बिजनेस डील में हरीश सर को इसको पैसे देने थे कितने? मान लो $10,000 देने थे। हरीश सर के बैंक अकाउंट में कितने थे? हरीश सर के बैंक अकाउंट में ₹10,000 भी नहीं थे। अब हरीश सर क्या करेंगे? अब हरीश सर के बिहाफ में उनका बैंक क्या करेगा? इस बंदे को $10,000 दे देगा और बोलेगा कि भैया तू तो निश्चिंत रह, हरीश तो क्या है, हरीश हमारे वापस ही आने वाला है ना, इससे देख लेंगे हम, ले लेंगे पैसे। तो बैंक ने क्या किया? आपके बिहाफ में इंटरनेशनल ट्रेड किया, इंटरनेशनल एक्सचेंज किया, इंटरनेशनल करेंसी दी सामने वाले को। क्यों दी? क्योंकि आपने बोला। कुछ ऐसे ऑथराइज्ड बैंक्स होते हैं जो आपके फॉरेन, जो बाहर के इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होते हैं उनमें डील करते हैं। तो अब वो आप हरीश सर से निपटते रहिए, बैंक क्या करेगा? हरीश सर से निपटेगा, जो भी पैसे उनको वापस लेने,
यहाँ पे तो हरीश्वर का काम हो गया ना, अपने देश की मिट्टी की लाज रह गई कि भाई बाहर जाके ऐसा नहीं हुआ कि हमारे पास पैसे नहीं है, थे पैसे हमारे पास, दे दिया हमारे बैंक में, ठीक है। इसको हम कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, हमको करेंसी एक्सचेंज करवाना है। मान लो मैं कहीं जा रहा हूं, मैं दुबई जा रहा हूं, तो मुझे अपने पैसों को, अपने रुपयों को कन्वर्ट करवाना है दिरहम में, दिरहम जो वहां की करेंसी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने बैंक के पास जाऊंगा, जो ऑथोराइज्ड बैंक है, जिसके पास अथॉरिटी है कि वो करेंसी एक्सचेंज कर सकता है, मैं उसके पास जाऊंगा और उसको बोलूंगा कि भाई मेरी रुपीस को आप दिरहम में कन्वर्ट करके दे दो। बैंक क्या करेगा, बैंक कन्वर्ट करके दे देगा। ये एक फंक्शन ये भी परफॉर्म कर रहा है। इसके बाद हमें एटीएम फैसिलिटीज मिलती हैं भाई, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज देता है, डेबिट कार्ड फैसिलिटीज देता है बैंक। कितने लोगों को यहाँ पे एटीएम का फुल फॉर्म पता है, जरा बताना। हाँ बताओ बताओ, एटीएम सब करते हो, एक बार फुल फॉर्म तो बताओ। सी एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड अरे मैं ही भूल गया क्या, हाँ ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है सर। उसके बाद फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटस रिपोर्ट, आपके बैंक की या आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इसकी रिपोर्ट बना के देता है बैंक आपको। मतलब आप कितने गरीब हैं, यह आपको आपका बैंक बताता है कि आपके अकाउंट में 10 रुपए हैं सर, ये क्या है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है। तो इसकी रिपोर्ट अगर चाहिए तो आपको बैंक आपको प्रोवाइड कर देगा। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज देख लिया ऊपर, शेयर्स लेना खरीदना बेचना, डिबेंचर्स लेना खरीदना बेचना, इसमें हमारी मदद करता है। अब ये ट्रेवलर्स चेक क्या है, ट्रेवलर चेक समझो। मान लो ये ना आपको ये एक पीस ऑफ पेपर है, पीस ऑफ पेपर which you need to buy from bank or some travel company, जिसको आप क्या कर सकते हैं, जिसको आप as a currency यूज कर सकते हैं, कहां पे, इन द कंट्री यू आर विजिटिंग, इन द कंट्री यू आर विजिटिंग। जिस भी कंट्री में आप जा रहे हैं उस कंट्री में आप इस ट्रेवलर चेक को एज अ करेंसी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये आपको कब कैसे क्या करना पड़ता है, ये आपको खरीदना पड़ता है, ठीक है सर। आप समझो ये RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, NACH, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, और ये ECS, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, ये सब क्या है, बहुत सुनते हैं। देखो RTGS और NEFT तो हमने बहुत बार ऐसा सुना है, ये NACH और ECS क्या है ये नहीं पता हमको। तो देखो ये क्या होता है भाई, RTGS जो होता है ना, RTGS हम बैंक के साथ बैंक में जाकर ऐसा क्यों करते हैं RTGS, कि भाई हमारे जो फंड्स हैं वो सेटल होने चाहिए रियल टाइम में, हमारे फंड्स जो हैं वो रियल टाइम सेटलमेंट ऑफ फंड्स। ये क्या कह रहा है, रियल टाइम सेटलमेंट ऑफ फंड्स क्या होता है, कि भाई आपने जो भी ट्रांजेक्शन किया ना, आपने जो भी पैसा ट्रांसफर किया ना, वो एकदम रियल टाइम में ट्रांसफर हो गया, आपने यहां से पैसा डाला सामने वाले के पास तुरंत पहुंच गया, ठीक है। वहीं NEFT क्या होता है,
एनईएफटी में आपको, यहां लिख देता हूं, एनईएफटी में आपको क्या है, आपको कम से कम, ये कैसे चलता है, हाफ आवरली बेसिस पे चलता है, कि आपने एनईएफटी किया है तो आपको सामने वाले के पास आधे घंटे में आपके फंड्स पहुंचेंगे, ठीक है सर, एनईएफटी में आधे घंटे में आपके पास फंड्स पहुंचेंगे। वहीं पर एनएसीएच क्या होता है, एनएसीएच में होता है कि भाई आपके 24 घंटे लगेंगे आपके फंड्स पहुंचने में, और ईसीएस यानी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, इसमें क्या होता है, इसमें आपको कम से कम 3 से 4 दिन लगने वाले हैं। आपने आज पैसा ट्रांसफर डाला है बैंक में जाकर, आपने क्या किया है, ईसीएस किया है, तो सामने वाले के पास 3 से 4 दिन में पैसा पहुंचेगा, ठीक है सर, समझ गए। अब देखो, हमने हमारे बैंक के सारे फंक्शंस देख लिए, अब हम देखते हैं कि जब हमारा सेक्रेटरी इस बैंक से करेस्पॉन्ड करेगा तब उसको किन चीजों का ख्याल रखना, व्हाट प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय द सेक्रेटरी व्हाइल करेस्पॉन्डिंग विद बैंक्स, तो ये एक एक करके हम देखते हैं। आओ, द फॉलोइंग प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन बाय सेक्रेटरी व्हाइल करेस्पॉन्डिंग विद बैंक, क्या क्या प्रिकॉशंस हैं, ये सारे वही प्रिकॉशंस हैं जो हमने हमारे डायरेक्टर के केस में देखे थे। जब वो डायरेक्टर से बात कर रहा था तो हमने देखा था कि ही हैज टू गिव प्रॉम्प्ट रिप्लाइज इन करेस्पॉन्डेंस, प्रॉम्प्ट रिप्लाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, द रिप्लाइज टू द बैंक आर टू बी सेंट विदाउट एनी डिले, बिना किसी डिले किए उसे क्या करना है, उसे रिप्लाई करना है, प्रॉम्प्टली रिप्लाई करना है, ठीक है सर। ब्रेविटी, कंसाइन क्या है, कंसाइसनेस, कंसाइसनेस मतलब क्या, आपका लेटर जो है, आप जब करेस्पॉन्ड कर रहे हो तो आपका लेटर कंसाइज होना चाहिए, यानी कम शब्दों में ज्यादा बात है, करेस्पॉन्डेंस विथ बैंक मस्ट बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, अ लेटर शुड नॉट बी लेंथी, अननेसेसरी डिटेल शुड बी अवॉइडेड, जबरदस्ती की अननेसेसरी डिटेल्स मत डालो यार, जितनी जरूरत है उतनी ही बात करो, अदरवाइज रहने दो, ठीक है सर। अब कर्टेसी, द लेटर टू द बैंक शुड बी पोलाइट, सेक्रेटरी शुड नॉट यूज एनी हार्श और रूड वर्ड्स व्हाइल करस्पॉन्डिंग विथ द बैंकर, कोई हार्श वर्ड, कोई फॉल्स वर्ड नहीं यूज करना है, आराम से, प्यार से, मोहब्बत से बात करनी है, बात भी कैसे करनी है, रिटन कम्युनिकेशन करना है, तो जो भी लिख रहे हो ऐसा कुछ मत लिखना जिससे हमारा बैंकर जो है वो ऑफेंड हो जाए। ठीक है सर। अब क्लैरिटी, आपके लेटर में जो है क्लैरिटी होना चाहिए, आपको ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स अवॉइड करनी है, ऐसा कुछ नहीं लिखना है कि सामने वाला उस चीज को मिसअंडरस्टैंड कर ले, क्लियर लिखना है जो भी लिखना है, ठीक है। द सेक्रेटरी मस्ट प्रोवाइड ट्रू फैक्चुअल अपडेट्स एंड क्लियर इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्गेनाइजेशन टू द बैंकर, कुछ भी घुमा फिरा के कंफ्यूजिंग नहीं चाहिए भाई, आपको क्या करना है, आपको एक्यूरेट एंड क्लियर बात करनी है, वहीं पे एक्यूरेसी है, सेक्रेटरी शुड प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, द फैक्ट्स एंड फिगर्स इन द बैंक करेस्पॉन्डेंस मस्ट बी एक्यूरेट, जो भी आप बैंक के साथ करेस्पॉन्डेंस कर रहे हो, जो भी आपके लेटर्स आप भेज रहे हो, आपका करेस्पॉन्डेंस जो है वो कैसा होना चाहिए, वो एक्यूरेट होना चाहिए भाई। द सेक्रेटरी मस्ट कीप सीक्रेसी व्हाइल करेस्पॉन्डिंग विथ बैंक एंड नॉट डिस्क्लोज एनी कॉन्फिडेंशियल मैटर ऑफ द कंपनी, बैंक के साथ जब करेस्पॉन्ड कर रहे हो ना तो ये ध्यान रखना है कि ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आप ना शेयर कर दो उनके साथ कि जिसका कंपनी को थ्रेट हो, जो कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हो, कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आपको शेयर नहीं करनी है व्हाइल करेस्पॉन्डिंग विथ बैंक, आपको इस चीज का ध्यान रखना है, आपको सीक्रेसी मेंटेन करना है, आपको कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर बुलाया जाता है, क्यों बुलाया जाता है, क्योंकि आप सीक्रेसी को मेंटेन रखते हो, ठीक है सर। लीगल प्रोसीजर्स,
क्या क्या लीगल प्रोसीजर्स फॉलो करता है एक सेक्रेटरी वाइल करस्पॉन्डिंग विद बैंक? द सेक्रेटरी मस्ट कीप इन माइंड लीगैलिटीज ऑफ कंटेंट इन करस्पॉन्डेंस विद द बैंक वाइल करस्पॉन्डिंग विद द बैंकर इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस. सेक्रेटरी शुड एनक्लोज नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अलोंग विद द लेटर. जब भी बैंक को आप करस्पॉन्डेंस भेज रहे हो, लेटर भेज रहे हो, तो हमने देखा था कि आप एनक्लोज करके एक लास्ट में बॉटम लेफ्ट में आप एक पॉइंट लिखते हो, उसके साथ आपने जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी अदर लेटर्स या अदर डॉक्यूमेंट्स आपने लेटर के साथ अटैच किए हैं वो सब आपको प्रॉपरली अटैच करना है. जो आपके एनक्लोजर्स हैं वो आपको साथ में भेजने हैं. किस चीज के? जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके. ठीक है, अब देखो किन किन सर्कमस्टेंसेस में कब कब एक सेक्रेटरी को जरूरत पड़ती है कि उसे बैंक के साथ करेस्पॉन्ड करना पड़ता है, उसे बैंक के साथ डील करना पड़ता है. तो देखो द फॉलोइंग आर सम ऑफ द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच सेक्रेटरी एंटर्स इनटू करेस्पॉन्डेंस विद बैंक. लेटर फॉर ओपनिंग अ करेंट अकाउंट विद द बैंक. कंपनी के बिहाफ में सेक्रेटरी करेस्पॉन्डेंस कर रहा है किससे? बैंक से, कि यार मुझे अपनी कंपनी का करेंट अकाउंट खुलवाना है आपके बैंक में. हमने देखा था ना करेंट अकाउंट कौन खुलवाता है? करेंट अकाउंट कोई बिजनेस पर्सन खुलवाता है, कोई फर्म खुलवाती है या फिर कोई कंपनी खुलवाती है. तो इस कंपनी को अपना करेंट अकाउंट खुलवाना है तो कंपनी के बिहाफ में कौन बात करेगा बैंक से? हमारा सेक्रेटरी करेगा. लेटर रिक्वेस्टिंग अ बैंक टू स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक. भाई हमने हमारे बैंक को बोल दिया लेटर के थ्रू कि भैया आप चेक से पेमेंट लेना बंद कर दो हमारे बिहाफ. हम नहीं चाहते कि चेक से आप पेमेंट लो हमारे बिहाफ. चेक्स के थ्रू जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो हमको नहीं चाहिए. तो इस टाइम पे भी सेक्रेटरी को क्या करना पड़ेगा? करेस्पॉन्ड करना पड़ेगा, आपके बैंक को बताना पड़ेगा कि ये बात है. लेटर रिक्वेस्टिंग अ बैंक फॉर ग्रांटिंग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. भाई ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देखा था ना हमने, जितना पैसा नहीं है उससे ज्यादा पैसे का हमको ट्रांजेक्शन करना है, ओवरड्राफ्ट चाहिए हमको, तो हमको बैंक को बताना पड़ेगा कि भाई हमको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी चाहिए हमारे बैंक अकाउंट में, हमारे करंट अकाउंट में आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दो, उसके बदले में आप जो भी सिक्योरिटी या जो भी आपका अंडरलाइन जो भी चीज रहेगी उस पर वो हम आपको देने को तैयार है. ये सब क्या बताएगा? ये सब हमारा सेक्रेटरी बताएगा हमारे बैंक को या बैंकर को. लेटर रिक्वेस्टिंग अ बैंक टू इशू लेटर ऑफ क्रेडिट. लेटर ऑफ क्रेडिट हमने देखा, लेटर ऑफ क्रेडिट जब भी कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई चीज होती है तो हमको ये लेटर ऑफ क्रेडिट का इस्तेमाल करके इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. तो अब ये सारे जो हैं ये सारे एक एक करके आपके लेटर्स हैं. अब हमने देखा है कि लेटर्स का क्या करना है. लेटर्स आपको समझना है. हमने बैंक के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है, अब इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम ये लेटर्स बनाएंगे, है ना? सही है, बढ़े आगे. अब देखो क्या स्पाइसमैन लेटर्स क्या है, क्या फॉर्मेट है. लेटर फॉर ओपनिंग अ करेंट अकाउंट विद द बैंक. द डिसीजन ऑफ ओपनिंग अ करेंट अकाउंट इज टेकन इन अ बोर्ड मीटिंग बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन. द बोर्ड इंस्ट्रक्ट द सेक्रेटरी फॉर ओपनिंग अ करेंट अकाउंट. द सेक्रेटरी हैज टू राइट अ लेटर to the bank accordingly and enclose necessary documents. अब यहाँ पे क्या करना है सेक्रेटरी को? सेक्रेटरी को कंपनी के बिहाफ में बैंक अकाउंट खुलवाना है, करंट अकाउंट खुलवाना है. ठीक है सर, ये हमारी कंपनी की डिटेल्स आ गई. सेम एज इट इज, कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, कंपनी का CIN नंबर, उसके बाद फोन नंबर, फैक्स नंबर, वेबसाइट, ईमेल, रेफरेंस, उसके बाद जो इनसाइड एड्रेस है, जो भेज रहा है, कौन भेज रहा है? बैंक मैनेजर. किसको भेज रहे हैं हम? किसको भेज रहे हैं हम? हमारे बैंक मैनेजर को भेज रहे हैं. तो ये बैंक मैनेजर को भेजा. क्या है सब्जेक्ट हमारे ओपनिंग अकाउंट के लिए? भाई करंट अकाउंट खोलना है हमको.
तो ये सारी डिटेल्स हमने लिखी, एक बार इसको रीड करो, इसको समझो। और क्या क्या एनक्लोजर दिए हमने, ये देखो, ये सारे एनक्लोजर्स दिए हमने, एक बार रीड करें। डियर सर, दिस इज टू रिक्वेस्ट यू टू ओपन अ करेंट अकाउंट इन द नेम ऑफ आर कंपनी प्लेटिनम कंपनी लिमिटेड। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनीज हैज पास द रेजोल्यूशन टू इफेक्ट इन देयर मीटिंग हेल्ड ऑन 27th May। ये सब लिखा हमने कि इंट्रोडक्शन दे रहे हैं अभी हम, ठीक है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है हमारा। प्लीज फाइंड एनक्लोज्ड हेयरविथ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ ओपनिंग करंट अकाउंट। सिंपल, सोबर, सीधे सीधे शब्दों में बता दिया कि भाई रेजोल्यूशन पास किया था हमने, हमने डिसाइड किया कि हमको एक करंट अकाउंट ओपन करना है, तो ये हमारी रिक्वेस्ट है तुमसे कि हमारा करंट अकाउंट ओपन कर दो, साथ में हम तुमको एनक्लोजर्स दे रहे हैं। भैया करंट अकाउंट ओपनिंग के जो भी ड्यूली फॉर्म्स हैं वो सब साइन करके डेट करके दे दिया हमने भाई, सर्टिफाइड कॉपी दे दी, किसकी, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की हमने कॉपी दे दी। ये सारी चीजें क्या है, ये हम एनक्लोज करके भेज रहे हैं हमारे लेटर के साथ, ये सारी डॉक्यूमेंट्स हम भेज रहे हैं, ठीक है सर। और क्या भेजा, सर्टिफाइड कॉपीज भेजी, किसकी, एमओए की, एओए की। उसके बाद सर्टिफाइड कॉपी भेजी किसकी, जो लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे कंपनी के उनकी। स्पाइसमैन सिग्नेचर कार्ड भेजा कंटेनिंग सिग्नेचर ऑफ 2 directors and 1 company secretary। याद है ना, जब भी हम कोई भी डॉक्यूमेंट कॉमन सील अफिक्स करते हैं हमारे कंपनी की, तो उसके साथ हमको हमारे 2 directors का और 1 company secretary का साइन लगता है। वी हैव लर्न दैट बिफोर, ठीक है। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन, जो बोर्ड रेजोल्यूशन हमने पास किया था उसकी सर्टिफाइड कॉपी, ड्यूली फाइल्ड अप, पे इन स्लिप अलोंग विथ 3,000 rupees इन कैश एज इनिशियल डिपॉजिट, जो हमारा इनिशियल डिपॉजिट है हमने वो, और हमारा जो पे इन स्लिप है वो भेज दिया। हमारे कंपनी की पैन और टैन की कॉपीज भेज दी। अब पैन और टैन क्या है, हमने देखा है पैन। उसके बाद हमारा आ गया सैल्यूटेशन, थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, कंपनी का नाम, आपका डेजिग्नेशन, आपका साइन। भैया ये हो गया, एनक्लोजर्स क्या है जो हमने ऊपर दिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ लेटर क्या है, हमारा अगला लेटर का टाइप क्या है, रिक्वेस्टिंग अ बैंक टू स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक। अब कंपनी इशू चेक्स टू वेरियस पार्टीज इन सेटलमेंट टू देयर ड्यूज। These checks are sent by post or by hands. There is a possibility of misplacement of check or loss of check in the transit. Therefore, it is necessary to inform the bank about the loss of check with the instruction to stop payment of such check. In these circumstances, the secretary must mention all the details of the check as check number, name, party, in whose favor the check is issued, date, check and amount of the check, etc. ये क्या हो रहा है, बेसिकली क्या कह रहा है कि बहुत टाइम ऐसा होता है कि कंपनीज जो है अपनी पार्टीज, जो थर्ड पार्टीज होती है, उनको पेमेंट कैसे करती है, चेक के थ्रू करती है। अब ये चेक कैसे जाता है, चेक जाता है ट्रांजिट के थ्रू, पोस्ट के थ्रू, या फिर हैंड डिलीवरी होती है। कभी कभी ये होता है कि भाई आपने, आपका चेक जो था वो मिसप्लेस हो गया, जिस बंदे को पहुंचना था उसको पहुंचा ही नहीं। तो अब इस केस में क्या करेगी कंपनी, अब इस केस में कंपनी क्या करेगी, अपने सेक्रेटरी को बोलेगी कि भाई बैंक को एक लेटर लिख दो और उनको बता दो कि हमारा ये जो चेक है वो मिसप्लेस हो गया है, तो कल को अगर ये चेक आपके पास आता है बैंक में तो इसको एक्सेप्ट नहीं करना है। तो ये सब करने के लिए क्या कर रहा है, हमारा सेक्रेटरी कम्युनिकेट कर रहा है, करस्पॉन्ड कर रहा है बैंक के साथ, उसको बताने के लिए कि भाई ये चेक एक्सेप्ट मत करना, ठीक है सर। चेक की सारी डिटेल देगा, कब इशू हुआ था, क्या डेट थी चेक की, भाई कितने अमाउंट का चेक था, किसके नाम पे था, क्या नंबर था चेक का, ये सारी डिटेल अब वो क्या करेगा, हमारा हमारे लेटर में लिख के देगा। सी, कितना प्लेन ऊपर का फॉर्मेट एज इट इज, स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक, रेफर आर करेंट अकाउंट, ये अपने करंट अकाउंट का नंबर लिख दिया उसने, ठीक है सर।
वी रिक्वेस्ट यू टू स्टॉप पेमेंट ऑफ द चेक नंबर डेटेड ऑन 5th February 2018 ऑफ रुपीज 1,50,000 इशूड बाय द कंपनी फ्रॉम करेंट अकाउंट नंबर दिस फेवर ऑफ, ये देखो जिसके नाम पे इशू किया उसका नाम भी लिख दिया, फिर उसके बाद द सेट चेक इज रिपोर्टेड लॉस्ट, भैया ये गुम चुका है तो इसको एक्सेप्ट मत करना कोई लाके दे भी तो, एज पर प्रिकॉशनरी मेजर्स वी रिक्वेस्ट यू टू स्टॉप पेमेंट ऑफ सेट चेक, इस चेक के ऊपर आप पेमेंट मत दीजिएगा, ठीक है सर समझ में आ गया, इनकन्वीनियंस कॉस्ट टू यू इज रिग्रेटेड, भैया आप एक कर्टियस, सी आई टोल्ड यू कर्टेसी कितनी जरूरी है, सामने वाले के ऊपर कितना प्यारा इंप्रेशन गया होगा कि उसने बोला कि भाई आपको जो इनकन्वीनियंस हुआ उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, कंपनी आपसे माफी चाहती है उसके लिए, क्या जरूरत थी, कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन टू प्रेजेंट देमसेल्फ इन अ बेटर वे यू विल हैव टू बी कर्टियस। उसके बाद हमारा सैल्यूटेशन आ गया, भाई योर्स फेथफुली कंपनी का नाम, साइन कंपनी सेक्रेटरी का। ऐसे ही हमारे दूसरे भी लेटर्स हैं, ये देखो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के लिए हमने किया है तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के लिए हमने लिख दिया कि भाई 5,00,000 रुपए चाहिए 3 महीने के लिए, ठीक है। अब ये 5,00,000 जो है हमारे फिक्स्ड अकाउंट में जो है हमारे बैंक ने क्या कर दिए, डिपॉजिट कर दिए, क्यों किया, क्योंकि हमने उनको रिक्वेस्ट किया, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वो कर देंगे। ऐसे ही हमें क्वेश्चन को रीड करना है अच्छे से, और हमने हमारे सारे कंसेप्ट समझ लिए हैं तो उसी कंसेप्ट को अब हमको किताब में लिखना है, ठीक है सर समझ में आ रहा है सबको, कहीं दिक्कत कोई अटक रहा है, चलो देखो हमारे ये लास्ट वाला लेटर एक बार डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है हमारा लेटर, लेटर रिक्वेस्टिंग अ बैंक टू इश्यू लेटर ऑफ क्रेडिट। अब देखो हमारा सब्जेक्ट क्या है, इश्यू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, सी अ लेटर ऑफ क्रेडिट इज पेमेंट और मेथड जनरली यूज्ड फॉर एन इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजेक्शन। देखा था हमने, हमारा हरीश सर गए थे अमेरिका ट्रांजेक्शन करके आए थे। लेटर ऑफ क्रेडिट इज इशूड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ इट्स क्लाइंट प्रोमिसिंग टू पे सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू द सेलर इन केस द बायर फेल्स टू पे। द लेटर इज गिवन बाय बायर टू द सेलर। सर ने क्या किया था, सर ने ये लेटर दे दिया था उसको, और इस लेटर के थ्रू कंपनी की गारंटी चली गई उसको कि भाई हाँ अगर इसने नहीं दिया तो हम देंगे, ठीक है सर। अब देखो क्या है ये, डियर सर वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट वी वॉन्ट टू इंपोर्ट फोटोकॉपी मशीन एंड प्रिंटर्स फ्रॉम जापान एज पर द कोटेशन रिसीव्ड फ्रॉम कैनन फोटोकॉपीज ऑफ जापान वी हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर इंपोर्टिंग 2 photocopy machines and printers for 8,00,000 yen. अब जापान से हम क्या कर रहे हैं, हम जापान से photocopy machines जो है वो import करवा रहे हैं, बुलवा रहे हैं, तो हम हमारे बैंक को क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि द अबव मैंशन कंपनी ऑफ जापान रिक्वेस्टेड अस टू सेंड अ लेटर ऑफ क्रेडिट फॉर द सेड अमाउंट एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सामने वाली जो पार्टी है जिससे हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया है कि भाई लेटर ऑफ क्या है, लेटर ऑफ क्रेडिट भेजो हमको, तो एज सिक्योरिटी वी आर सबमिटिंग फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट। देखो हमने बोला था ना जब भी हम हमको ये लगेगा लेटर ऑफ क्रेडिट जब भी देना होगा तो हमको सिक्योरिटी में कुछ ना कुछ रखना होता है। अब हमने सिक्योरिटी में क्या रख दिया, हमारी फिक्स डिपॉजिट रिसीट रख दी कंपनी की जो थी 50,00,000 रुपए की विद योर बैंक। आई रिक्वेस्ट यू टू इश्यू अस अ लेटर ऑफ क्रेडिट इन फेवर ऑफ सेड कंपनी ऑफ जापान फॉर 80,00,000 yen। वी आर विलिंग टू ऑफर अदर रिक्वायर्ड सिक्योरिटीज फॉर दिस पर्पस। अगर आगे आपको कोई और सिक्योरिटीज भी लगती है तो हम आपको दे देंगे। काइंडली इशू अ लेटर ऑफ क्रेडिट एज अर्ली एज पॉसिबल। एक हम्बल रिक्वेस्ट कर दी, ठीक है, सैल्यूटेशन लिख दिया हमारा, योर्स फेथफुली आ गया, हमारे कंपनी के सेक्रेटरी के साइन आ गए। कितना इजी है, कितना फुद्दू चैप्टर है बताओ, इसमें
इसमें और क्या ही डिस्कस करोगे तुम, इसमें और क्या ही डिस्कस करोगे तुम, कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन रीड करना है और अकॉर्डिंगली तुमको रिप्लाई करना है. सी आई हैव मेड ऑल दीज नोट्स फॉर यू, एक बार क्विक रिवीजन हो जाएगा हमारा, एक बढ़िया प्यारा सा क्विक रिवीजन देख लेते हैं. हमारा बैंक क्या है, बैंक जो है हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है. क्या करता है, जो लोगों के पास आइडियल कैश है, सरप्लस कैश है, उनको डिपॉजिट फैसिलिटीज देता है और इसी डिपॉजिट को क्या करता है, लोन दे देता है, लोगों को बोरोवर्स को पैसा दे देता है, ठीक है, लैंड कर देता है उनको. और हमारे बैंक को रेगुलेट करने के लिए कौन सा एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है सर. अब हमारा बैंक फंक्शंस परफॉर्म करता है, कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है, सबसे पहले जो उसका प्राइमरी फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन क्या है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लेंडिंग मनी. अब देखो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में क्या है, बैंक जो है वो डिपॉजिट जो करता है उस पर लोअर इंटरेस्ट देता है, और जो पैसा आपको लोन देता है उसमें आपसे हैवी इंटरेस्ट चार्ज करता है. तो ये जो डिफरेंस है, ये जो होता है, ये हमारे बैंक का प्रॉफिट होता है, ठीक है सर. डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट क्या है, डिमांड डिपॉजिट आर पेएबल ऑन डिमांड. एक्सेप्ट डिपॉजिट इन द फॉलोइंग फॉर्म, बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट इन द फॉलोइंग फॉर्म, कौन से फॉर्म में करता है, एक सेविंग डिपॉजिट हो गया भाई. सेविंग डिपॉजिट में क्या है, इट अलाउज टू डिपॉजिट मनी इन सेविंग अकाउंट. रिस्ट्रिक्शन इन फ्रीक्वेंट विड्रॉल, फ्रीक्वेंटली विड्रॉ नहीं कर सकते ना आप सेविंग अकाउंट में. ई स्टेटमेंट दिया जाता है और पासबुक दी जाती है इफ यू डिमांड फॉर इट, ठीक है सर. अब हमारा करेंट डिपॉजिट है, करेंट डिपॉजिट क्या है, करेंट डिपॉजिट यानी ये वो लोग करते हैं जो बिजनेस पर्सन होते हैं, जो फॉर्म्स होती हैं, जो कंपनीज होती हैं, इन लोगों को अपना करंट डिपॉजिट करना होता है. किस फॉर्म में करना होता है, करंट अकाउंट के फॉर्म में करना होता है. करंट अकाउंट बनाकर देती है इनको एक कंपनी, जिसमें भाई आप कितना भी विड्रॉल कर सकते हो, वहां पे कोई लिमिट नहीं है, ठीक है. आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा लेकिन इस अकाउंट में, जैसे हमको सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है, इसमें आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल होती है, हमने देखा ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ठीक है सर. टाइम डिस्कस है, टाइम डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट क्या होता है भाई, ये वो डिपॉजिट है जिसमें आप डिमांड नहीं कर सकते हैं. आपका एक स्पेसिफाइड टाइम दिया हुआ है, जिसमें जब तक वो स्पेसिफाइड टाइम नहीं आ जाता तब तक आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा. जैसे हम एफडी करते हैं, ठीक है, हमने एफडी की, एफडी में क्या होता है, एक पीरियड ऑफ टाइम आपको एक इंटरेस्ट जो मिलेगा वो पीरियोडिकली मिलेगा, एक स्पेसिफिक पीरियड में मिलेगा, या फिर सारा इंटरेस्ट एक साथ कब मिलेगा, जब आपकी एफडी मैच्योर हो जाएगी, यानी उसका स्पेसिफाइड टाइम जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है सर. रिसीव फिक्स पीरियड में आपका इंटरेस्ट रिसीव होता है, ठीक है. हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पेएबल, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है आपको एफडी में कंपेयर टू अदर अकाउंट, ठीक है. एक एफडीआर इशू की जाती है आपको, एफडीआर क्या होता है, फिक्स डिपॉजिटरी रिसीट. लोन कैन बी गिवन अगेंस्ट दिस एफडीआर, एफडी आप एफडी के अगेंस्ट में आप लोन भी ले सकते हैं. अब देखो रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, रिकरिंग डिपॉजिट यानी ये क्या होता है, हमारे सेविंग हैबिट को एनकरेज करने के लिए लाया गया. रिकरिंग डिपॉजिट रिसीव डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट, क्या है ये, कस्टमर नीड्स टू डिपॉजिट इन स्पेसिफाइड टाइम एंड स्पेसिफाइड अमाउंट. एक स्पेसिफाइड टाइम में एक स्पेसिफाइड अमाउंट आपको भेजना है पीरियोडिकली, एक स्पेसिफाइड टाइम तक. वो 5 लाख वाला एग्जाम्पल देखा था, उसके बाद हमने हमारे रिकरिंग अमाउंट में 50,000 वाला एग्जाम्पल देखा था कि 5 साल तक मैं 50,000 रुपए दे रहा हूं. तो एक स्पेसिफाइड टाइम तक दे रहा हूं, पीरियोडिकली दे रहा हूं, एक स्पेसिफाइड अमाउंट दे रहा हूं, ठीक है सर. रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है सेविंग डिपॉजिट से ज्यादा होता है इसमें. ई स्टेटमेंट मिलता है इफ यू डिमांड, और पासबुक भी मिल जाती है, ठीक है सर. अब दूसरा फंक्शन क्या है हमारे बैंक का, लेंडिंग मनी.
बैंक लेंड्स मनी आउट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड, जो भी पैसा ले रहा है वो पैसा आपको लेंड कर दे रहा है, ठीक है। बैंक प्रोवाइड्स लोन्स एंड एडवांस। अब ये लोन्स क्या होते हैं? लोन इज ग्रांटेड फॉर स्पेसिफाइड टाइम अगेंस्ट पर्सनल सिक्योरिटी, कुछ सिक्योरिटी रखवाकर आपको पैसा दिया कुछ टाइम के लिए। क्या सिक्योरिटी ली आपसे भाई? गोल्ड ले लिया, सिल्वर ले लिया, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी ले ली, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ले ली, ठीक है। अब कितने टाइप के लोन्स भाई? शॉर्ट टर्म लोन एक साल के लिए, मिडिल टर्म लोन एक साल से पांच साल के लिए, लॉन्ग टर्म लोन पांच साल से ऊपर के लिए, ठीक है। इसमें देखा इंटरेस्ट रेट जो है वो कम है, इसमें देखा इंटरेस्ट रेट जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है, और इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज्यादा है भाई साहब, बहुत ही ज्यादा है कंपैरेटिवली, ठीक है सर। इसके बाद हमने हमारा ये एडवांस देखा, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। लोन से अलग है, कैसे अलग है? शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। क्यों होता है? हमारे डे टू डे मीटिंग, डे टू डे अफेयर्स के लिए हमारे बिजनेसमैन को लगता है, ठीक है। इसके बाद देखो ओनली अदर अमाउंट विड्रॉन गेट चार्ज्ड, यानी हमारा जितना भी पैसा हमने विड्रॉ किया है, हमको जितना पैसा सैंक्शन हुआ है उतना नहीं, जितना हमने विड्रॉल किया है, मतलब हमको बैंक ने एक लिमिट दे रखी थी कि आप इतने अमाउंट तक एडवांस ले सकते हो, तो हमने उसमें से कुछ पैसा निकाल लिया, और जो पैसा हमने निकाला है उतने ही पैसे में हमको इंटरेस्ट लगता है, ठीक है भाई। क्या है फिर नेक्स्ट देखते हैं, टाइप्स ऑफ एडवांस। ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट का हमने एग्जाम्पल देखा था, क्रेडिट फैसिलिटी ग्रांटेड बाय बैंक टू करेंट अकाउंट होल्डर्स को मिलता है। इट अलाउज टू ओवरड्रॉ एन अमाउंट अप टू अ सर्टेन लिमिट, कुछ लिमिट तक आप अपने अकाउंट में जितना पैसा नहीं है उससे ज्यादा पैसा क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। कैश क्रेडिट क्या है? अब हमारा कैश क्रेडिट जो है वो है सेपरेट कैश क्रेडिट अकाउंट इज टू बी ओपन टू अवेल दिस सर्विस। आपको एक कैश क्रेडिट अमाउंट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, आपको रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स जो हैं आपके पास होने चाहिए अंडरलाइंग में। बैंक क्या करता है? बैंक अलाउज बोरोवर टू विड्रॉ अमाउंट अप टू अ स्पेसिफिक लिमिट। आपको जो कैश क्रेडिट अकाउंट खोलकर दिया है बैंक ने, उसमें आपको एक लिमिट तक आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो। क्यों? टू ट्रांजैक्ट विद रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड, ठीक है सर। डिस्काउंटिंग बिल देख लिया था, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। तो ये हमारा मोटा मोटी एक रिवीजन था जो हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। बाकी पूरा कंसेप्ट हम एक बार देख चुके हैं थॉरोली। अगले लेक्चर में हम लोग हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि है हमारा लास्ट चैप्टर, करेस्पॉन्डेंस विथ स्टैच्यूटरी अथॉरिटीज। उसमें देखेंगे कि एक कंपनी सेक्रेटरी कैसे स्टैच्यूटरी अथॉरिटीज के साथ करेस्पॉन्ड करता है, क्या जरूरत आन पड़ती है उसको करेस्पॉन्ड करने के लिए, ये सारी चीजें हम लोग आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। सो दैट वुड बी आवर लास्ट लेक्चर। अभी तक हम लोग हमारा सारा पोर्शन कवर कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डील विथ द वेरी लास्ट चैप्टर ऑफ आवर सब्जेक्ट। अगले लेक्चर में मिलेंगे, बहुत छोटा सा है, अगले लेक्चर में ही उसको खत्म कर देंगे हम, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हार्डली एक घंटा। टिल देन पीस आउट, लव यू ऑल, बाय बाय।